अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज है जी फाइनाले, मतलब फाइनल फंक्शन है, यानी कि वलीमा। कल आपने बारात का व्लॉग देखा, मेहंदी का मैंने आपको दिखाया। तो ये भी हम रेडी वगैरह हो गए, कपड़े वगैरह पहन लिए, अरसल भी रेडी हो गया और ये नबीहा भी रेडी हो चुकी है। ये नबीहा इसका नाम है, नबीहा नाम है। तो ये भी रेडी होके हमारे घर आ गए, इन्होंने हमारे साथ जाना, बाकी सब लोग नानो लोगों के साथ चले गए। मान भी रेडी होके आ गई है। नहीं जी नबीहा, तीनों ने एज यूजुअल ट्विनिंग का ट्रिपलिंग कर लिया, ट्विनिंग कर लिया भाई, सेम। हुड़िया का मेरा तो कलर भी सेम है, ईमान का कलर डिफरेंट है। और ना आज वलीमा था तो आज हम सब ने ना फ्रॉक्स वेयर किए हैं। और ये अरसल पागल हो गया, आज मैं आपको अंदर दिखाती हूँ। अनाया भी आई हुई है, ये रही जी अनाया, ये देखे जी अनाया ने भी आज फ्रॉक वेयर किया हुआ है। ये भी मेरी हालत बेटी। और मोइजा देखे मेकअप पे बैठी हुई है, कह रही है मुझे भी मेकअप करो। और मेहमद भी अभी फिलहाल कपड़े पहन रहा, मामा भी रेडी नहीं हुई है, पापा भी रेडी हो रहे हैं। बस हम तीनों तो पहले ही रेडी हो गए हैं, मामा हमें पहले रेडी कर देती हैं फिर खुद जाकर रेडी होती हैं। तो ना अभी पापा भी रेडी हो रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ पापा रेडी हुए हैं कि नहीं हुए। तो अभी पापा नहीं रेडी हुए हैं, ठीक है। तो अभी ना पापा रेडी होते हैं, ऐसे में रेडी होते हैं ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो तब तक के लिए ना अभी स्टे ट्यून्ड यार, आपने व्लॉग पे बहुत ज़्यादा प्यार बरसाना है। बड़ी मुश्किलों से ना शादी में आके आपको व्लॉग बनाती हूँ, बड़ा मेरे लिए मुश्किल होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे और लाइक भी ठोक दें। तो अभी ना गाइस फाइनली ना अरसल मेहमद बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देखे जी मेहमद बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अरसल का भी शोर से शूज जा रहे हैं, देखे मेहमद बिल्कुल रेडी हो गया। आज मेरे दोनों भाइयों ने भी ट्विनिंग किया है यार, मैं तो हमेशा ही करते हैं, हमारे हमेशा कपड़े ना सेम ही होते हैं। तो बाल भी नहीं अभी इसने बनाया। और ये नाया जी खड़ी हुई है, हाँ, और भोलू का पकड़ो। और ये नबीहा खड़ी हुई है, अभी मामा रेडी हो रही है, हुड़िया भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। हुड़िया की मैं आपको फुल लुक दिखा देती हूँ, हुड़िया का देखो। ये जी आज हुड़िया ने ये फ्रॉक वेयर किया हुआ है, साथ इसने ब्लैक कलर की जूती पहनी हुई है। अभी ये नेल पॉलिश लगाने लगे। हुड़िया मेरी फुल लुक दिखा दो, ये किसने गंदा ले। तो जी गाइस ये देखे, मैंने भी सेम कलर वेयर किया, मैंने भी इसके साथ ब्लैक कलर की जूती वेयर कर दी, मेरी कजन ने भी किया। और मैं अब आपको ना ईमान की फुल लुक दिखा देती हूँ, ये देखे जी ये ईमान की फुल लुक है। ईमान ने कुछ पहना हुआ सिल्वर कलर का, और हमारी भी सेम है, सिर्फ हमारे ना कपड़ों के कलर डिफरेंट ले जी। ईमान ने आपको घूम के भी दिखा दिया मुफ्ते में। और ये देखे जी अनाया आप भी घूम के दिखा दो, ले जी सारे आज ना। ओ तुम मैं मत कहता है, मैं भी गाइस आपको घूम के दिखाता हूँ। तो हुड़िया नेल पॉलिश लगाने लगी। और ये देखे जी अरसल अभी तक रेडी, अरसल से ना शूज नहीं पहने जा रहे है यार, अरसल से ना शूज नहीं डाल रहे। और अभी मामा अभी तक रेडी नहीं हुई हैं, और पापा भी अभी तक रेडी नहीं हुए, सिर्फ मामा पापा रह गए हैं, बाकी हम सब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और भोलू ने देखे जरा आते सार ना मोइजा के खाने पे कब्जा कर लिया, मोइजा ये मोइजा बैठी है, मोइजा बेचारी ने बचा के रखा था कि मैं रात को खाऊंगी। स्वीटू ने आकर सारी प्लेट साफ करने लगे, स्वीटू बजा ना जगह बदमाश सारा खा देता है मोइजा का खाना। और ये अभी तक ये सारा समेटने लगी, मामा कहती हैं तुम लोग बैठ के ना सारा खास में। तो ये झूली वगैरह मामा ने पहनी, और मामा यार अभी तक रेडी ही हो ही जा रही है। मामा का ना क्या मसला है पता नहीं, मामा हमें तैयार करके सबसे लास्ट लगी। और ये जो है ना अनाया खाई जा रही है, खाई जा रही है, इसने अपनी लिपस्टिक भी साथ ही खा जानी है, फिर मेरी खाला ने इसको डांटना है। अनाया ना इसने ना पीनट के साथ साथ लिपस्टिक भी खा लेनी है। और ये चलो अरसल अपनी फुल लुक दिखा दो। तो जी गाइस फाइनली अरसल के शूज चल गए, अरसल की फुल लुक देख ले माशाल्लाह। आपने कमेंट में लाजमी लिखना, और आप ये भी बताया करें, हाँ, और आपने ना लाजमी बताना है कि आपको हमारे व्लॉग किस तरह लग रहे हैं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर दो। तो सो जी गाइस सर्दियां है ना, तो पीनट खाते हैं हम लोग, लेकिन अब तो लेकिन अब तो सर्दियां खत्म होने वाली हैं। तो बस ये पापा लास्ट टाइम लेके आए थे कि अब तो सर्दियों में ही खाते हैं मोस्टली। तो जी अभी ना अरसल मामा तो वगैरह तैयार हो रही हैं, हम तब तो तैयार हो गए, अभी मामा तैयार हो जाएंगी फिर हम लोग शादी हाल के लिए निकलेंगे। तो अभी ना मामा को तैयार होने देते, फिर जब हम शादी हाल पे जाएंगे ना, मतलब वैनी पे पहुंचेगा, फिर आपको दिखा दूंगी मैं। तो जी गाइस हम लोग वैनी पे पहुंच चुके हैं, अब हम अंदर जा रहे हैं। मैं अंदर चल के भी आपको पूरा हॉल एक्सप्लोर करेंगे। ये देखिए जी सब जा रहे हैं टहल टहल के अंदर, तो अंदर चलते हैं। तो जी ये सारा बाहर से व्यू है, बाहर से व्यू तो बड़ा अच्छा लग रहा है, अंदर चल के देखते हैं अंदर क्या है।
तो जी ये देखें, ये सारा अंदर का सेटअप है, ये सारा स्टेज सेट किया हुआ है, साइड पे बड़े बड़े फ्लावर्स वाले गुलदान है, सारे टेबल्स वगैरह लगे हुए हैं। आज हम जल्दी आ गए हैं, फर्स्ट टाइम जल्दी आए हैं, अभी में इतने ज़्यादा लोग नहीं आए। तो जी गाइस दुल्हन की फैमिली आ चुकी है, अब ये लोग एंटर होंगे, सब दुल्हन की तरफ से जो गेस्ट थे वो आ चुके हैं, और अभी दुल्हन नहीं आई, अभी थोड़ी देर में दुल्हन भी आ जाएगी, फिर मैं आपको दुल्हन भी दिखाऊंगी। अभी ये देखें कि इनकी मूवी वगैरह बन रही है, ये अभी आए हैं ना, अभी तो मोस्टली लोग अभी तक नहीं आए, अभी थोड़ा टाइम है, अभी थोड़े टाइम के बाद बिल्कुल रश हो जाएगा। और हम ये वाले टेबल पे बैठ गए हैं, सब इकट्ठे होकर मेरी खाला मामा मामी हम सब यहाँ पर बैठ गए हैं। तो जी गाइस दूल्हा दुल्हन भी आ चुके हैं, ये देखें कि अब दूल्हा दुल्हन की एंट्री होगी है, दोनों स्टेज पे बैठने लगे हैं, फिर मैं आपको स्टेज के पास भी जाके दिखाती हूँ ज़रा क्लोज से। तो चलते हैं स्टेज के पास, यहाँ पर दुल्हन की फ़ोटोज़ वगैरह हो रही हैं, और ये है जी दूल्हा हमारा आज का वलीमे की लुक दूल्हे की। तो जी गाइस खाना आ गया, खाने में सबसे पहले फ्रूट सैलेड आया, ईमान और भैया खा रहे हैं, और जी साथ में चावल भी आ चुके हैं, और कैसा बना ये प्लेट वगैरह बन गया, बोतल मैंने अपने लिए गिलास में डाल लिया, अब खाने लगी खाना। बाकी दो दिनों का तो खाना बड़ा ही अच्छा था, अब ये टेस्ट करके बताती ये कैसा है। तो जी खाना वगैरह खा लिया था, तो अब आइसक्रीम आ गई है, खाना बहुत अच्छा था माशाल्लाह, तीनों दिन का खाना बहुत ज़्यादा मज़े का था। और अब ना हम आइसक्रीम खाने लगे हैं, तो जी गैस खाना खा लिया, खाना खा के फ्री हो चुके हैं, बिल्कुल हमने सारा खाना खा चुके हैं, मामा भी खा लिया, मैंने भी खा लिया, और मामा दूसरे टेबल पर बैठे हुए थे, मैं तो खाला के साथ बैठे थे, मेरे पापा वहाँ पर मेरे दोनों मामों के साथ बैठे हुए हैं। और ये देखिए जी इसनात खान आ गया साथ, इब्राहिम भी आ गया इसनात को, तो देखिए इसनात भी माशाल्लाह आज बहुत अच्छा लग रहा है, आप कमेंट में माशाल्लाह लाजमी लिखिएगा। देखिए सब परियाँ, सब ने फ्रॉक पहने, सब परियाँ बनी हुई हैं, सब छोटी छोटी परियाँ, ये देखिए। तो जी मैं आई हूँ मामा के साथ स्टेज पर, यहाँ पे तो डांस वगैरह हो रहा है, दूल्हे के जो दोस्त हैं ना सारे वो मिलके डांस कर रहे हैं, मामा ने आना था यहाँ पे, वो क्या कहते हैं सलामी देने, तो मैंने कहा चलो मैं भी आपके साथ रही थी और अपने व्यूवर्स को दिखा देती, ये देखें जी सारे दूल्हे के सारे फ्रेंड्स डांस कर रहे हैं, मैं भी इंजॉय कर रही हूँ, आप भी इंजॉय करें। आपको पता है ना मेरे पेपर्स नज़दीक आ गए, तो मेरा टेस्ट था, इसलिए हम लोग जल्दी जा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी जाते जाते ना आपको हल्की आँच पे बाहर का व्यू दिखा दूँ। तो जी ये देख लें जी बाहर का हल्की आँच पे व्यू है, ये सारा ये स्टेयर्स बनी है, सारा बना हुआ जो मैंने पहले नहीं दिखाया, बस मुझे ना मौका ही नहीं मिला दिखाने का, ईमान ने घूमना शुरू कर दिया, तो हम जा रहे हैं घर, और घर चल के आपसे मुलाकात होती है। गाइस हम लोग घर आ गए हैं, फ्री हो गए हैं, तो ना ये देख लें सब घर आ गए, फ्री हो गए, ये अर्सल भी आ गया, अर्सल ने आते सार स्वीटू को पकड़ लिया, और ना अभी ये खिलाड़ा ऐसी चढ़ा हुआ, इसको भी हमने समेटना है। तो जी इतनी ज़्यादा टाइम हो गया, अभी हम घर हैं, कपड़े वगैरह चेंज करने लगे हैं, तो अभी ना मैं कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, फिर मैंने अपना टेस्ट भी प्रिपेयर करना, मान और नाया हमारे साथ ही आ गए हैं, ये आज हमारे घर रहेंगी, तो अभी ना कपड़े वगैरह चेंज करके मैं अपना टेस्ट प्रिपेयर करने लगी, तो टेस्ट भी याद करना, तो भैया आज के ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो ना तो बहुत ज़्यादा प्यार भी चाहिएगा, बहुत ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन, यार जल्दी जल्दी हमारे 200 तो सब्सक्राइबर करवा दो ना, फिर मेरी मामा ने हमसे प्रॉमिस किया हुआ है कि वो हमें ट्रीट देंगी, या सिर्फ आपकी बदौलत ही हमें ट्रीट मिल सकती है। आप जल्दी जल्दी से हमें कमेंट करें ना, आंटी को कमेंट करें, आंटी जल्दी से अपने बच्चों को ट्रीट दें, आप करेंगे तो, नहीं तो मेरी मामा तो हमें कुछ दे ही नहीं रही है। मैं इतनी मेहनत से बना रही हूँ, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह।